तो क्या आपका डिवाइस वन प्लस सेवन एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है और आप उसे मैं डालना चाहता है TWRP रिकवरी और उसमें करना चाहते हैं मैजिक मैनेजर से रूट, तो जाने के लिए इस वीडियो को आप आगे तक देखते रहिए। सॉरी गाइस, बिल्कुल न्यूज एंकर लग रहा था। मैं इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ ये है कि अगर आपका वन प्लस सेवन एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है और आप उसका बूट लोडर अनलॉक करके TWRP इंस्टॉल करना चाहते हो, साथ ही साथ उसको रूट भी करना चाहते हो मैजिक मैनेजर से, तो वो आप कैसे कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका वन प्लस सेवन एंड्रॉइड 10 पे चल रहा है, उसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हो और साथ ही साथ TWRP रिकवरी इंस्टॉल करना चाहते हो बट रूट नहीं करना चाहते, तो वो आप कैसे कर सकते हो। और तीसरी चीज़ कि अगर आपको OTA आता है TWRP डालने के बाद और मैजिक डालने के बाद, तो आप TWRP और मैजिक दोनों को बचा के आप अपने मोबाइल को कैसे अपग्रेड कर सकते हो, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, वीडियो थोड़ी लेंदी जाने वाली है बट वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ बट उन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिवाइस है मेरा वन प्लस सेवन जो कि चल रहा है एंड्रॉइड 10 पे और ये सारे क्यू बीटा और एंड्रॉइड 10 पे ये मेथड वर्क करने वाली है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आप बूटलोडर अनलॉक करके TWRP कैसे डाल सकते हो, साथ ही साथ रूट कैसे कर सकते हो मैजिक के साथ। दूसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि बूटलोडर अनलॉक करके TWRP कैसे डाल सकते हो और आपको रूट अगर नहीं करना हो मैजिक के, तो आप रूट को कैसे अवॉइड कर सकते हो, आपके डिवाइस को कैसे बूट कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं बताऊँगा कि आप आपके डिवाइस को अगर आपको कोई अपडेट आता है तो आप OTA के थ्रू या फिर आप मैनुअली कैसे अपडेट कर सकते हो आपके डिवाइस को TWRP के थ्रू, और रूट और TWRP दोनों को कैसे बचाए रख सकते हो आप आपके मोबाइल में। तो ये तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में, तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, कुछ भी स्टेप मिस मत कीजिए क्योंकि पता नहीं कहाँ पे क्या चीज़ मैं बताने वाला हूँ आगे। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल को कनेक्ट करना होगा आपके PC से USB केबल के थ्रू। आपका मोबाइल मेक श्योर कि प्रॉपरली कनेक्टेड हो आपके PC से। अब मैं बता दूं कि मेरा डिवाइस चल रहा है एंड्रॉइड 10 ओपन बीटा 2 पे और यहाँ पे आके आपको बिल्ड नंबर पे 7 टाइम्स टैप करना होगा जिससे डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसका आपको सिस्टम में जाकर यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाकर आपको तीन चीज़ को इनेबल करनी होगी। सबसे पहले एडवांस रिबूट को ऑन कर दीजिए और साथ ही साथ यहाँ पे OEM अनलॉकिंग को भी ऑन कर दीजिए। ये मेरे इसमें पहले से मेरा बूटलोडर अनलॉक है तो ये ऑप्शन मुझे फिर से नहीं देख रहा है, मेरे इसमें पहले से इनेबल है, मैं इसे फिर से इनेबल नहीं कर सकता। बट आपके केस में अगर आपका बूटलोडर अनलॉक नहीं है तो आपको ये इनेबल करना होगा। तो इसको इनेबल करने के बाद आपको USB डिबगिंग को भी इनेबल करना होगा। तो इन तीनों चीज़ों को कर देने के बाद आपको आपके डिवाइस को फास्ट बूट मोड में बूट करना होगा। उसके लिए आप पावर की को होल्ड करके रखिए, यहाँ से आपको एडवांस रिबूट के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा बूटलोडर मोड पे। अब आपका डिवाइस बूटलोडर मोड पे बूट हो जाएगा। जैसे ही आपका डिवाइस फास्ट बूट मोड में बूट हो जाए, बस आपके डिवाइस को आप छोड़ दीजिए और आपके PC पे जाइए और ये तीनों फाइल डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। सबसे पहले आपको ADB ड्राइवर को इंस्टॉल कर देना होगा आपके PC में। मेरे इसमें पहले से इंस्टॉल है तो मैं फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स का जो फोल्डर है, जो जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके फोल्डर के अंदर कुछ ये सारी फाइल्स आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको गूगल पे इस वाले पेज पे जाना होगा। आप मैं इसके लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इजीली जा सकते हो। यहाँ से आपको TWRP रिकवरी इमेज और उसका इंस्टॉलर दोनों ही डाउनलोड करने होंगे। और थैंक्स टू डेवलपर जिसने भी ये फॉर्म और ये पोस्ट बनाए हैं HDA पे। और अभी मैं आपको बता दूं कि फाइनली TWRP रिकवरी एंड्रॉइड क्यू के लिए एंड्रॉइड 10 के लिए भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आकर जाके अगर डेवलपर को थैंक्स वगैरह कहना तो आप कह सकते हो, डोनेशन वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड के सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगी TWRP इमेज देखने को मिल जाएगी एंड्रॉइड क्यू एंड्रॉइड पाई के लिए। एंड्रॉइड क्यू और पाई दोनों के लिए प्रोसेस सेम रहेगी, तो आप दोनों में से कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एंड्रॉइड 10 में TWRP कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको एंड्रॉइड क्यू की इमेज डाउनलोड करनी होगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना आपके एंड्रॉइड क्यू या फिर एंड्रॉइड पाई के लिए TWRP इमेज। TWRP इमेज डाउनलोड करने के बाद आपको डाउनलोड करना होगा आपको TWRP इंस्टॉलर। TWRP इंस्टॉलर दोनों के लिए सेम है, पाई और क्यू दोनों के लिए। तो ये रही TWRP इंस्टॉलर की लिंक, तो आप इसे भी डाउनलोड कर लीजिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप जिसका भी TWRP इमेज और TWRP इंस्टॉलर डाउनलोड कर रहे हैं, दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम दोनों फाइलें डाउनलोड कर ली है। और सबसे पहले काम आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको जो TWRP इमेज की फाइल है उसको आपको रीनेम कर देना होगा, क्योंकि बहुत ही लंबा नाम है तो मैं नहीं चाहता कि इतना लंबा नाम आप टाइप करने बैठे। तो उसको रीनेम कर दीजिए कुछ भी छोटा सा, मैं इसको TWRP करना चाहता हूँ। मेक श्योर इसमें आखिर में .img एक्सटेंशन ऐड हो।
अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पे आपके ऊपर व्यू में जाके यहाँ पे आप फाइल एक्सटेंशन को इनेबल कर सकते हो, जिससे आपको एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि एक्सटेंशन उनको नहीं दिख रहा है, तो मेक श्योर इसका एक्सटेंशन एडो फाइल के नाम है। उसके बाद आपको टी डब्ल्यू आर पी इमेज को कॉपी करना होगा, प्लेटफॉर्म टूल्स के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट कर देने के बाद बस अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा इसी डायरेक्टरी में। कमांड प्रॉम्प्ट इसी डायरेक्टरी में ओपन करने के लिए आप एड्रेस बार पर जाके सीएमडी टाइप करके एंटर हिट कर सकते हो, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा इसी डायरेक्टरी में। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले टाइप कीजिए फास्टबूट स्पेस डिवाइसेज। ये कमांड आपको ये बताएगा कि आपका डिवाइस फास्टबूट मोड में प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं। यहाँ पे अगर कुछ रेंडम स्ट्रिंग और उसके बाद फास्टबूट अगर लिखा आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका डिवाइस प्रॉपरली कनेक्टेड है फास्टबूट मोड में। अगर नहीं तो ड्राइवर वगैरह से रिलेटेड इशूज वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद आपको बुटलोडर अनलॉक करना होगा, जिसके लिए आपको लिखना होगा फास्टबूट स्पेस ओईएम स्पेस अनलॉक। इससे आपका बुटलोडर अनलॉक हो जाएगा। इस कमांड से आपके डिवाइस का बुटलोडर अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी अनलॉक है, बट आपके केस में ये बुटलोडर अनलॉक होगा, आपका मोबाइल रिबूट होगा और आपके मोबाइल का सारा डेटा वाइप हो जाएगा। तो मेक श्योर इस प्रोसेस के पहले आपने भी आपके सारे डेटा का बैकअप ले लिया हो। आपके मोबाइल में कुछ भी नहीं बचेगा तो सारे डेटा का बैकअप ले लीजिए, उसके बाद बुटलोडर अनलॉक कीजिए। तो बुटलोडर अनलॉक करने के बाद आपको फिर से मोबाइल को फास्टबूट मोड में बूट करना है, जैसे कि हमने पहले किया था। और फास्टबूट मोड में आने के बाद यहाँ पे आपको अगला कमांड टाइप करना है फास्टबूट स्पेस बूट स्पेस टी डब्ल्यू आर पी डॉट आई एम जी। टी डब्ल्यू आर पी की जगह पे आप आपके इमेज का नाम भी दे सकते हैं, अगर आपने कुछ और नाम इसको पहले दिया होगा तो इससे आपके डिवाइस में टी डब्ल्यू आर पी इमेज बूट हो जाएगी टेम्पररी। ये परमानेंटली बूट नहीं करता टी डब्ल्यू आर पी को, टेम्पररी बूट करता है। इसके बाद आपको परमानेंटली टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉल करना होती है। तो वेट कीजिए जब तक आपके डिवाइस में टी डब्ल्यू आर पी बूट ना हो जाए। टी डब्ल्यू आर पी में बूट होते वक्त ये आपसे आपका पासवर्ड या फिर पिन पूछ सकता है, तो पासवर्ड या पिन आपने जो भी सेट किया है वो आप डाल दीजिए, उसके बाद टी डब्ल्यू आर पी आपके डिवाइस में बूट हो जाएगा। अब टी डब्ल्यू आर पी में डिवाइस बूट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब आपको आपके डिवाइस को कनेक्टेड छोड़ देना होगा। अब यहाँ पे आप पीसी में जाके आप उसके इंटरनल स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स पेस्ट करना होगी। तो यहाँ पे आप टी डब्ल्यू आर पी इमेज मैजेस और टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर तीनों फाइल्स को कॉपी कर दीजिए इसके इंटरनल स्टोरेज में। अब ये सब हो जाने के बाद आप आपके पीसी से आपके मोबाइल को डिसकनेक्ट कर सकते हैं और अब आपको सारी फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं यहाँ पे आपको दो मेथड बताऊंगा। पहला ये कि टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर कैसे इंस्टॉल करें और मैजेस से रूट कैसे करें। दूसरा ये कि आप टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर कैसे इंस्टॉल करें और रूट को कैसे अवॉइड करें। तो सबसे पहले हम पहले वाले मेथड की बात करेंगे कि टी डब्ल्यू आर पी कैसे इंस्टॉल करें और रूट कैसे करें मैजिस के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा इंस्टॉल में, और इंस्टॉल में यहाँ पे जाकर आपको टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर को फ्लैश कर देना होगा। टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉलर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे रिबूट पे मत क्लिक करना अगर आप स्टॉक रोंग पे हो तो, क्योंकि आपका डिवाइस बूट लूप वगैरह में अटक सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपको वापस इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ पे आके मैजिक्स को फ्लैश कर देना हो। मैजिक्स आपके डिवाइस के बूट इमेज को पेज भी कर देगा और साथ ही साथ आपके मोबाइल में रूट एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मैजिक्स इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप रिबूट कर सकते हो। और ये जो पहली मेथड थी ये मेरी रिकमेंडेड मेथड है। अब दूसरी मेथड ये है कि आप टी डब्ल्यू आर पी इंस्टॉल करना चाहते हो बट आप रूट नहीं करना चाहते मैजिक्स से, तो उसके लिए आपको जाना होगा इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे जाके यहाँ पे आपको इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना होगा, जिससे आपको इमेज वाली फाइल दिखने लगेगी। और यहाँ पे टी डब्ल्यू आर पी इमेज वाली फाइल को सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना होगा। टी डब्ल्यू आर पी इमेज इससे फ्लैश करने से आपके मोबाइल में टी डब्ल्यू आर पी परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगी। टी डब्ल्यू आर पी परमानेंटली इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको बूट इमेज को पेज करना होगा, जिसके लिए आपको एडवांस में जाके इंस्टॉल रिकवरी रेमडिक्स पे जाना होगा और यहाँ पे आके टी डब्ल्यू आर पी इमेज को फिर से सिलेक्ट करना होगा और ये आपके बूट इमेज को पेज कर देता है, जिससे आपका डिवाइस बूट भी हो जाएगा और आपके मोबाइल में रूट एक्सेस भी नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद आप सिंपली डिवाइस को रिबूट कर दीजिए। सेकेंड वाली मेथड मैं इतनी रिकमेंड नहीं करूँगा, बट फर्स्ट वाली मेथड मेरी रिकमेंडेड मेथड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके मोबाइल में इमेजेस मैनेजर इंस्टॉल हो गया है। अगर ये एपीके देखने को नहीं मिले तो आप ये एपीके डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके मोबाइल में प्रॉपर रूट एक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आप कस्टम रोम के लिए भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा डिवाइस अभी चल रहा है एंड्रॉइड 10 पे और ओपन बीटा 2 पे है।
अब हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़, अगर आपको अपडेट आता है और आप TWRP और रूट दोनों को ही रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या करें। अगर आपको अपडेट आता है OTA के थ्रू या फिर आप अपडेट करना चाहते हो इसको TWRP के थ्रू, तो दोनों ही केस में आपको रोम को इंस्टॉल कर लेना होगा। आप लोकल अपडेट से भी आप रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, आप TWRP से भी रोम को इंस्टॉल कर सकते हो, बट दोनों केस में रोम इंस्टॉल होने के बाद डिवाइस को बूट मत करना, रिबूट मत करना। दोनों प्रोसेस में आपको TWRP इंस्टॉलर और मैजिस दोनों को फ्लैश करना होगा। अगर आपने TWRP से रोम अपग्रेड किया है तो आप पहले TWRP फ्लैश कीजिए और उसके बाद मैजिस TWRP रिकवरी से, या फिर अगर आपने OTA के थ्रू अपग्रेड किया है आपके डिवाइस को तो उसके लिए आपको जाना होगा मैजिस में, और मैजिस में यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना होगा मॉड्यूल्स में, और मॉड्यूल्स में यहाँ पे आपको एक नीचे बटन देखने को मिलेगा प्लस वाला बटन, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपके मोबाइल में TWRP इंस्टॉलर को सिलेक्ट करना होगा। TWRP इंस्टॉलर को सिलेक्ट करने से आपके मोबाइल में TWRP इंस्टॉलर फिर से फ्लैश हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको TWRP इंस्टॉलर के बाद मैजिस को भी फ्लैश कर देना होगा। इस प्रोसेस से आपके मोबाइल में मैजिस और TWRP दोनों फिर से आ जाएंगे। तो गाइस ये तरीका था जिससे आप आपके मोबाइल में TWRP और रूट को रख सकते हो, और ये कुछ इंस्ट्रक्शन है जिसे आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना मैजिस के लिए। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल ऑफ फ्यूचर वीडियोस, एंड इफ यू हैवन फॉलो मी माय सोशल मीडिया देन यू कैन फॉलो मी माय सोशल मीडिया फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर OnePlus वीडियोस। दिस इज द बेस्ट, साइन आउट, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।